टेंथ विषय हिंदी पाठ आठ सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक क्षितिज में संकलित कविता झांसी की रानी शीर्षक से अवतरित है। इसकी रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। कवित्री रानी के वीरगति प्राप्त करने पर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही है। व्याख्या। रानी परलोक सिधार गई, उसकी चिताई उसे ले जाने वाली अलौकिक सवारी के समान थी। उस तेजस्वनी वीरांगना का तेज परमात्मा में लीन हो गया। अपने वीरता और बलिदान के कारण उसे परम पद या परम तेज मिलना ही चाहिए। केवल 23 वर्ष की युवावस्था में ही रानी ने युद्धों के इतिहास में नारी के पराक्रम की नई कथा दर्ज करा दी। रानी के अटूट पराक्रम और आत्मविश्वास को देखकर लगता है कि स्वतंत्रता ही नारी का रूप लेकर हम भारतवासियों की निराश हृदयों में नया जीवन भरने आई थी। वह मनुष्य न होकर कोई देवी का अवतार थी। रानी ने अपने तेजस्वी चरित्र से हमारा मार्गदर्शन किया और पराधीनता तथा अन्याय से संघर्ष करने की अनुकरणीय सीख दी गई। उसका संसार में जन्म हमें यही शिक्षा देने के लिए हुआ था। बुंदेले और हरबोलों से सुनी कहानी से कवित्री को ज्ञात हुआ कि रानी लक्ष्मीबाई ने बड़ी मर्दानगी से देश के शत्रुओं के साथ युद्ध किया था। विशेष पहला पॉइंट, अकेली रानी ने अंग्रेजी सेना का मुंह तोड़ जवाब दिया। यदि अन्य शासकों और योद्धाओं का उन्हें सहयोग मिला हो तो भारत की कहानी कुछ हो रही होती। दूसरा पॉइंट है, भाषा सरल है, शैली अलंकारी के और भावात्मक है। तीसरा, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार कथ्य की शोभा बढ़ा रही है। 17वां पद्यांश है, जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, ये तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद हमारे अमिट निशानी थी। बुंदेले अरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक क्षितिज में संकलित कविता झांसी की रानी शीर्षक से उत्तरित है। इसकी रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। इस अंश में कवित्री ने रानी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उनके बलिदान को अविस्मरणीय बताया है। व्याख्या। कवित्री कहती है कि हे रानी, तुमको हम विदाई देते हैं, परंतु सारे भारतवासी तुझे कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करते रहेंगे।
तुम्हारा ये अमूल्य वरदान हमारे हृदयों में स्वाधीनता की अमिट भावना जगाता रहेगा। चाहे इतिहासकार इतिहास में तुम्हारी देन को बुला दें, भले ही सच कहने वालों को फांसी पर चढ़ा दिया जाए, चाहे अत्याचारियों की अत्याचारपूर्ण जीत भी हो जाए। अंग्रेजी सरकार भले ही तोपों से झांसी का नामो निशान मिटा दे, लेकिन कोई भी तुम्हारी अक्षय कीर्ति नहीं मिटा पाएगा। हे रानी, तू स्वयं ही अपना अमर स्मारक होगी, क्योंकि तेरा नाम और काम अमिट वस्तुएं हैं, काल भी उसे नहीं मिटा पाएगा। बुंदेलों और हर बोलों के मुंह से हमने रानी की वीरता की कहानी सुनी थी। विशेष पहला पॉइंट, सुभद्रा जी ने ये कविता अंग्रेजों के शासन काल में लिखी थी, इस कारण उन्होंने अंग्रेजी सत्ता को प्रत्यक्ष चुनौती दी है। दूसरा, भाषा सरल ओजस्वी और भावभीनी तथा प्रसंग के अनुकूल है। तीसरा, अनुप्रास अलंकार का सुंदर की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। पाठ पूरा हुआ, अब गृहकारी हेतु प्रश्न नोट कीजिए। पहला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी कौन थी, यानी किसकी पूजा क्या करती थी। दूसरा है, रानी लक्ष्मीबाई की बचपन की गतिविधियों का उल्लेख कीजिए, जब छोटी थी तो कौन कौन से खेल खेलती थी, वो सारी बातें आएंगी इसमें। तीसरा है, स्वतंत्रता की चिंगारी में किन किन सपूतों ने लोहा लिया। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में जिन भारत के सूरवीरों ने युद्ध किया, उनका नाम लिखना है। चौथा है, रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध कौशल का वर्णन कीजिए, किस तरह से वो युद्ध में मारकाट मचाया करती थी। पांचवा है, झांसी के राजा का देहांत हो जाने पर डलहौजी ने क्या कुटिल चाल अपनाई।